नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रणय शर्मा व्लॉग्स। इस चैनल में आज से व्लॉग आना स्टार्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स, और ये होने वाला है हमारा फिफ्थ व्लॉग। आज का व्लॉग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आज आए हमें अपनी गौशाला में। इधर देख सकते हैं पीछे हमारे गाय साहब, और इधर हमारे एक और गाय साहब, और इधर हमारे कुछ और गायें हैं। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग में बेसिकली होगा कि आज बनाने वाले हैं हम हिमाचल की एक पॉपुलर रेसिपी जिसका नाम है पत्रोड़ू, और आपने भी काफी बार खाए होंगे। और मैंने जब बारिश हुई थी इधर उस व्लॉग बनाया था उसका, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो उसमें मैंने इसके बारे में कुछ बताया था। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पत्रोड़ू की रेसिपी बनाते हैं और आखिर दिखते कैसे। तो चलो अब मैं उधर आपको दोस्तों बात चुके हैं पत्रोड़ू के खेत में, और पीछे देख सकते हैं मेरे पीछे भी पत्रोड़ू के जो है पत्ते वो है बहुत बड़े बड़े पत्ते हो, देख सकते हो आप अगर आपको दिख रहे होंगे। और इनके नीचे जो होते हैं वो आड़ू होते हैं जिनकी सब्जी भी बनती है, और ये जो है अभी पत्रोड़ू के पत्ते हैं। अब इसके हैं हम इन पत्तों को निकालेंगे, निकाल बैठे हैं हम फ्रेंड्स, आप चिंता न करो। और उन पत्तों को हम कुछ इस तरह सजाएंगे कि हम बना देंगे पत्रोड़ू दोस्तों। तो अगर आपको व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। तो अब चलते हैं जहां हमने रसोई में सब कुछ इंतजाम किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें इसके जो पत्रोड़ू के पत्ते हैं उनको निकालने के बाद उसमें कुछ मिलाना पड़ता है। वो होता है, एक तो हमें बेसन चाहिए होता है, बेसन के साथ साथ जो छोले होते हैं, छोले की दड़ी होती है वो चाहिए होती है, और छोले की दड़ी को भिगने डालना है, उसके बाद उसको पीसना है, उसके बाद जो उसको पीस के जो हमारा रिजल्ट निकलेगा उसको और बेसन को मिक्स करना है, और उसके अंदर मसाले डालने हैं, और उसके बाद जो आपका ये जो भी मसाले का वर्क है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं सीधा रसोई घर में जहाँ पर बना रहे हैं पत्रोड़ू मेरी मम्मी। दोस्तों ये रही वो पत्रोड़ू के पत्ते, इनको कुछ आपने इस तरह निकाल देने हैं और इस तरह उल्टे इनको रख देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे तक हमने उल्टे रख दिए हैं पत्ते, चाहे बड़े हो चाहे छोटे, जैसे मर्जी हो, जैसे बड़े से लेकर छोटा छोटा तक हमने रखना है, जैसे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने सारे पत्ते रखने हैं। और उसके बाद ये रहा मसाला, और ये मसाला मैंने आपको अभी बताया कि क्या करना है। और उसके बाद हमें पत्ता उल्टा रखना है, उसके ऊपर मसाला लगाना है, उसके ऊपर एक और पत्ता रखना है मसाला लगाना है, एक और पत्ता रखना है मसाला लगना है। और आप वीडियो को देखते रहो, मैं आपको अभी सिखा दूंगा कि क्या क्या करना है, तो वीडियो को एंजॉय करो। मैं आपको बता दूं कि आज हमारे घर में लाइट नहीं है, और जो मेरा फोन है वो आपको पता है कि कितना अच्छा फोन है, तो वो स्विच ऑफ हो चुका है कल शाम का। तो जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मैं अपनी मम्मा के फोन का, इसका कैमरा भी उतना सही नहीं है, इस कैमरे से मैं इस वीडियो को आपके लिए बना रहा हूँ। इसमें थोड़ी सी बैटरी रही थी शाम की, क्योंकि कल हमारे यहाँ बारिश हुई थी तो सारे जो पेड़ वगैरह वो नीचे गिर गए थे, जिस कारण जो बिजली का जो कार्यक्रम था वो भी ठप पड़ गया है। अभी वो कार्य प्रगति पर है, मतलब कि उसको बिजली वाले ठीक कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए अगर आपको मतलब मेरी वीडियो क्वालिटी थोड़ी गंदी लग रही होगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स माफ़ करना। और हाँ, आज मैंने मेल चैनल में एक और वीडियो डालनी थी पर मैं इस कारण नहीं डाल पाया क्योंकि आज बिजली हमारे घर पर नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए मैं शूट भी नहीं कर पाया। इसको सजाने की प्रक्रिया तो मैंने आपको दिखा दी, अब दिखाता हूँ कि इसको ऐसे कैसे इस शेप में कैसे लाना है। तो आप देख सकते हो इधर इसको कुछ इस तरह फोल्ड करना है, और इस तरह जैसे कि मेरी मम्मा कर रही है इस तरह आपको भी करना है, और आपकी ये शेप आ जाएगी और बिल्कुल बन जाएगा इस तरह फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक बात और, जब तक आप इस काम को करें तब तक जो आपके पास सिड्डू मेकर होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसा जो मोमो मेकर होता है, सिड्डू मेकर होता है, आप इसमें कुकर का यूज़ भी कर सकते हैं। और इसको आपको अच्छी तरह तेल लगा के इसको गैस पे गर्म करने के लिए रख देना है, और जो सबसे नीचे वाला डब्बा होगा इसमें थोड़ा पानी डाल देना है और गर्म करने रख देना है, जैसे कि मैं आपको गैस के पास ले जाता हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इधर सिड्डू मेकर हमने रख दिया है, इस वाले डब्बे में हमने पानी रखा है और ऊपर एक गर्म हो रहा है, इसको तेल लगा दिया है। अब हम आगे देखते हैं वीडियो को, एंजॉय करो।
फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो उधर तेल लगा दी है और इसको उधर कुछ इस तरह अच्छी तरह बांध के बूंद के उधर डाल रहे हैं और इसके बाद इसको गर्म करने छोड़ देंगे और कुछ देर बाद ये बनके तैयार हो जाएंगे। उसके बाद भी बहुत प्रक्रिया है, इसको काटना पड़ता है। अगर आप ऐसे खाना चाहते हो तो आप ऐसे भी खा सकते हो और तला भी जाता है इसको, वो मैं आपको अभी आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। आप तब तक वीडियो में, लास्ट में ये तैयार हो चुका है, सीडू मेकर में हमने तेल लगा दिया है, तीन हमारे पास ये तैयार हो चुके हैं। अभी हमने और भी बनाना है, जैसे देख सकते हो आप मेरी मम्मा बना रहे हैं जब तक वो वाले पत्ते सारे खत्म ना हो जाए। और इसको रखेंगे हम गर्म करने ऊपर, इसके बाद ये गर्म हो जाएगा और हम इसको यहाँ से ऐसे ऐसे काटेंगे और काटने के बाद हम इसको तल भी सकते हैं तवे में और बिना तले भी इसको खा सकते हैं। इसकी सब्जी इतनी टेस्टी होती है दोस्तों, अगर आप हिमाचली हैं तो आपने जरूर खाई होगी। अगर आप बाहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको घर में जरूर ट्राई करना अगर आपके वहाँ भी इसके पत्ते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गैस पे रखने के बाद लगभग एक डेढ़ घंटा के होने के बाद स्टीम आने के बाद इनको उठा देना, और जब हम कुछ उठाएंगे तो ये कुछ ऐसे नजर आएंगे अगर आपको अच्छी तरह दिख रहा होगा, क्योंकि मेरा कैमरा इतना साफ नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छी तरह दिख रहा होगा तो कुछ ऐसे हो जाएंगे, आप अंदाजा लगा सकते हो। अब इनको हम काटने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, इनको काटेंगे उसके बाद मैं आपको तलना भी सिखाऊंगा, उसके बाद ये पूरा रेडी हो जाएंगे, उसके बाद हम इनको खाएंगे और आपको बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है। फ्रेंड्स अब इनको काटने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अब जो हमारे पास तीन जो पत्रोड़ू के वो बड़े बड़े क्या बोले उनको डिम्बड़े बन चुके हैं, अब इनको हम काटेंगे। हम इनको काट लेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएंगे, अभी देख सकते हो आप इधर दो और हैं, इनको भी हम काटेंगे तो काटने के बाद कुछ ऐसे हो जाएंगे। अब हम तवा लगाएंगे, उसमें तेल डालेंगे और इनको तलने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, तो आप व्लॉग को एंजॉय कीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो हमने पत्रोड़ू बनाए थे, अब उनको तलने का जो समय आ चुका है और उनको कुछ इस तरह हम तलेंगे। इसकी रेसिपी हम उनको बताऊंगा नहीं क्योंकि कैमरे को असर पड़ सकता है आपकी वजह से, तो अब मैं तब बताऊंगा जब हम खाएं। सब वो बारी आ चुकी है जब हम इनको खाने जा रहे हैं दोस्तों। तो ये रही मेरे पास प्लेट, आप देख सकते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ अच्छी तरह कैसे होते हैं ये, और कुछ इस तरह बनते हैं दोस्तों। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर कितना अच्छा है और बाहर से कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, कुरकुरे की तरह। अब हम इनको खाएंगे। दोस्तों लाजवाब, क्या कहने इस पत्रोड़ू पे, ट्राई करना जरूर। जो स्वाद आ रहा है मसालों का, इतना खतरनाक टेस्टी आ रहा है ना, देखो बाहर से कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। ये देखो एक बात जरूर है, जब इनको तला जाता है तो ऑयल के साथ तला जाता है, तो जो ऑयली पेशेंट होते हैं वो उसको खाने में थोड़ा परहेज करें, पर दोस्तों टेस्ट के तो नंबर वन है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये था बाहर हिमाचल का पकवान पत्रोड़ू। आई होप कि आप इसको घर में जरूर ट्राई करोगे। तो मैं इसको पूरी खत्म कर देता हूँ, और आप वीडियो को एंजॉय कीजिए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, आपके लिए ऐसे वीडियो मैं लेता रहूंगा। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।